नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 की गणित वर्कबुक का कार्यपत्रक 7 की। कार्यपत्रक 7 में दक्षता आधारित है, जिसमें 4 अंक की संख्याओं को 2 या 3 अंक की संख्याओं से गुणा करना। यहाँ पे 4 अंक की संख्या दी गई है, या नीचे 2 अंकों की, यहाँ 3 अंकों की संख्या आपको दी हुई मिलेगी। यहाँ पे प्रश्न होंगे गुणा करने का, तो गुणा करने के संबंधित प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है 2865 का गुणा करना है 89 से। इस तरह से पहले 9 का गुणा करेंगे तो ये संख्याएं आपको प्राप्त होगी, फिर 8 का इस तरह से करेंगे तो गुणा आपका हल करने पर ये प्राप्त होगा। इस तरह से आपको 9013 का 59 से गुणा करना है, इसी तरह 6023 का 51 से गुणा करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह 6018 का गुणा आपको 526 से करना होगा। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो 6980 का गुणा 42 से करके ऐसे हल करना है। 7369 का गुणा 68 के करके आपको ऐसे हल करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी हल कर सकते हैं। अगली संख्या की बात करें तो 6754 का गुणा 261 से करना होगा। फिर 2096 का गुणा 776 से, 8329 का गुणा 589 से। इस तरह आपको गुणन की क्रिया करनी है इस वर्कशीट पर कार्य करते वक्त। यहाँ पे 3239 का गुणा 308 से करना है, 7683 का गुणा 758 से करना है, 1467 का गुणा 115 से करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 अंकों के ऊपर संख्या दी गई है, जिसको 2 या 3 अंकों से गुणा करने संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। तो इस वर्कशीट पर गुणन की क्रिया करनी है। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 8 नंबर की, जिसमें 4 अंकों की संख्याओं को 2 या 3 अंकों की संख्या से गुणा कर पाना संबंधित है। जैसे यहाँ पे 7 का गुणा 150 से करने पर 1050 प्राप्त होते हैं। इसी तरह अगले को तिरछा मिलान करना है, जैसे 80 गुणा 90 को मिलान 7200 से करना है, वापस 7200 का मिलान 367 × 20 से करना है। इसी तरह अगला 40 × 190 का 7600 से मिलान किया है, फिर आपको इधर 380 × 20 से करना है, यानी इसका सही मिलान करने पर, यानी 380 का 20 से गुणा करने पर 4600 प्राप्त होंगे, तो इसलिए इसका इससे मिलान करना है। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 2 नंबर में आपको गुणा करना होगा, जैसे 15 का गुणा 2110 से करना है, उत्तर आ जाएगा 31650। इसी तरह 90 का गुणा 1040 से करना है, जिसका उत्तर आ जाएगा 93600। 4223 का गुणा 80 से करना है, उत्तर आ जाएगा 337840। 1000 का 25 से गुणा 25000। 1672 का गुणा 11 से करना है, जिसमें उत्तर आ जाएगा 18392। इसी तरह अगली संख्या का भी आपको गुणा करना है। तो ये होगी गुणा से संबंधित वर्कशीट 8 भी गुणा से संबंधित है। 3 नंबर में आपको वही वापस 1216 दिया है, 2 संख्या का गुणा है, इसका गुणा करने पर हल ये आएगा। इस तरह से इसमें 4 प्रश्न दिए गए जो गुणन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 में आपको प्रश्न दिया गया है, एक पैकेट में 100 पेंसिलें आती है तो ऐसे 45 पैकेटों में कितनी आएगी। जब एक वस्तु का मूल्य दिया हो, अधिकतम का ज्ञात करना हो, तो हमेशा ही गुणन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे एक पैकेट का मूल्य जो दिए संख्या 100 दी है, 45 की ज्ञात करनी, तो 100 का गुणा 45 से करने पर 4500 पेंसिलें होगी। इसी तरह अगले में एक कुर्सी का मूल्य है, ऐसे ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है, तो एक कुर्सी का 999 हो गया, 125 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा 999 का 125 से गुणा करने पर 1,24,875 रुपये, यानी एक का दिया अधिकतम का ज्ञात करना, इसलिए इसमें भी गुणा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए एक विद्यार्थी के 725 रुपये दिए प्रति विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी के ड्रेस के लिए 725 है, तो 1350 विद्यार्थी के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी। तो एक के लिए 725 है, तो 1350 के लिए, तो 1350 का गुणा 725 से कर देंगे, इससे उत्तर आ जाएगा 978750 रुपये। तो इस तरह से आपको वर्कशीट 8 पर भी गुणन से संबंधित संक्रियाओं का हल करना होगा। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 9 की, जिसमें दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने से संबंधित गुणा की समझ बनाने से संबंधित सवाल दिए गए हैं। जैसे एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियाँ प्रतिदिन छपती है, तो एक प्रति में 12 पृष्ठ होता है, तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। अब एक प्रति के अंदर 12 पृष्ठ है, तो 1198 प्रतियों के लिए 12 का गुणा हो जाएगा, 14376 कुल पृष्ठ होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक मशीन औसतन एक दिन में 3825 कील बनाती है, जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई। एक मशीन एक दिन में कीलें बनाती है 3825, तो जनवरी में कुल कितने कीलें बनेगी। जनवरी 2023 की बात करें तो 31 दिन की थी जनवरी, तो 31 दिनों में कितनी बनेगी, इसका गुणा हो जाएगा 31 से। इस तरह से 1,18,575 किलों का निर्माण होगा। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी ने 6,237 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया, यानी दाई का इकाई से इकाई का दाई का अंक फेर करके
अलग हो गया यानी तीन को पीछे ले गया और सात को आगे लाने पर 73 से गुणा कर दिया। 73 से गुणा करने पर ये आता है, जबकि उसको करना था 37 से गुणा, तो 37 से गुणा करने पर ये आता है। दोनों उत्तरों में अंतर कितना है, अधिक कितने हैं, तो अंतर ज्ञात करेंगे दोनों का। अधिक है 224,496, दोनों उत्तर आ जाएंगे, इसको घटाना होगा, फिर घटाने पर जो प्राप्त होता है वो इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है, किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपये का दूध बेचा। एक लीटर दूध है वो 55 रुपये में बेचता है, 210 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 210 का 55 से गुणा कर देंगे, 11,550 रुपये का वो दूध बेचेगा। अभ्यास पुस्तिकाएँ बनाने के लिए कागज को 5,000 सीट उपलब्ध हैं, प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, बताइए इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। एक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, तो 5,000 सीट से 5,000 × 8 यानी कुल 40,000 पृष्ठों का निर्माण होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक विद्यालय में कुल 335 विद्यार्थी अध्ययनरत है, प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे, तो कुल छात्रवृत्ति के रूप में कितने वितरण किए जाएंगे। एक विद्यार्थी को 1,250 मिलते हैं, 235 को कितना मिलेगा, 1,250 का आप 235 से गुणा करेंगे, 2,93,750 रुपये कुल छात्रवृत्ति विद्यालय को मिलेगी। तो इस तरह से आपको इसमें भी गुणन से संबंधित क्रियाएँ करनी होगी। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 10 नंबर की, जिनमें 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। अभी तक आपने 7, 8, 9 में पढ़ा था गुणा से संबंधित, अब इसमें आपको भाग से संबंधित क्रियाएं दी गई है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 28 का भाग देना है 896 में, तो ये 89 के अंदर 28 का भाग सबसे पहले 3 बार जाएगा, 84 उतारेंगे, फिर 5 शेष रहेंगे, अगला अंक 6 उतारेंगे, 3 बार जाएगा, इस तरह से 28 का भाग 32 बार जाएगा। इस तरह से आपको ये भाग हल करना है, तीनों ही भाग की संख्या करनी होगी। उसके उपरांत 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न में आपको सीधा भाग देकर के यहाँ पे भागफल लिखना है। जैसे 4 का 256 में भाग देने पर 64 भागफल प्राप्त होगा, 840 में 15 का देने पर 59 होगा, 420 में 28 का भाग देने पर 15 भागफल प्राप्त होगा, 14 का भाग 672 में देने पर 48 प्राप्त होगा, 25 का भाग 875 में देने पर 35 प्राप्त होगा, 12 का 792 में देने पर 66 प्राप्त होगा। इस तरह से आपको करना होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 3 में आपको एक वृत्त के आकार का भाग की संक्रिया का दिया गया है, जिसमें 420 में 15 का इधर की तरफ 15 का भाग 420 में देने पर भागफल 28 प्राप्त होगा, फिर 15 का 555 में देने पर क्या होगा। तो इस तरह से आपको ये भाग की संक्रिया करनी है प्रत्येक के साथ, यहाँ पर 12 से संबंधित तो या 17 से संबंधित, इसको आपको पूरी करना होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की 4 नंबर में, जिसमें आपको 450 में 12 का भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है और शेषफल क्या होता है, यहाँ पे लिखना है। 635 में 15 का भाग देने पर 42 भागफल होगा, 7 शेषफल रहेगा। 737 में 24 का भाग देने पर 30 भागफल होगा, शेषफल 16 रहेगा। तो ये भागफल और शेषफल आपको लिखना होगा। बात करते हैं अगले, जंगल में होने वाली स्लांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेढक, चिकू खरगोश और मितू बंदर पहुँचे हैं। मिंटू मेढक एक सलांग में 4 सीढ़ियाँ चलता है, 4 सीढ़ियाँ बराबर एक सलांग लगाता है, तो 140 सीढ़ियाँ सट चुका है, उसने कितनी सलांग लगाई होगी। तो 140 में आप 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 35 सलांग, तो टोटल वो 35 सलांग लगाएगा। इसी तरह सिकू खरगोश एक सलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो 125 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 125 में 5 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 25 सलांग। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 10 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं वृक्षित नंबर 11, जो दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित है, लेकिन इसमें भाग की समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे एक डिब्बे में 24 पुस्तकें हैं, तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। एक डिब्बे 24 पुस्तकें हैं, 672 के अंदर 24 का भाग देने पर उत्तर आ जाएगा 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं, यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं, तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। कुल कतारें 44 है और कुल लोग 968 हैं, तो 968 में 44 का भाग देने पर पता लग जाएगा एक पंक्ति में 22 व्यक्ति बैठे हैं। इसी तरह अगला प्रश्न, खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा कर दिया है, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी 350 है, कुल पंक्तियां 14 है, तो 14 का 350 में भाग देने पर पता लग जाएगा 25 विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है, यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है, तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगी। एक बार में वो 15 बोरियां ढोता है, कुल बोरियां 450 है, कुल चक्कर लगाएगा 450 में 15 का भाग देने पर 30 चक्कर लगाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न, एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे, यदि वो प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है, तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा, कितने पेड़ शेष रहेंगे। जैसे एक पंक्ति में 18 पेड़ है, कुल पेड़ 548 है, 548 में 18 का भाग देने पर 30 बार पूरा जाएगा और फिर 8 शेष रह जाते हैं, तो इसका मतलब 8 पेड़ यहाँ पे शेष रहेंगे। इस तरह से आपको वृक्षित नंबर 11 पे कार्य करना होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।